वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आप सभी को पता होगा कि CGL 2022 का वैकेंसी निकल चुका है और नियरली 20,000 से ऊपर आपका वैकेंसी निकाला है SSC इस बार। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि इस साल SSC के द्वारा नियरली 70,000 वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा, उसी के तहत CGL ने अपना 20,000 का से ऊपर का आप लोग बोल सकते हो क्या वैकेंसी आपका निकाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो पुराना पैटर्न था SSC का, CGL का जो पुराना पैटर्न था, उस पैटर्न को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, आपका बंद कर दिया है SSC ने। और उसने क्या कर दिया है, एक नया पैटर्न लाया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा उस पैटर्न को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस पैटर्न के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या है, कैसा है, क्या क्या प्रोसेस है, कि किस किस स्टेज से, किस किस टायर से हमको गुजरना है, A to Z आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुराना पैटर्न क्या था। देखिए, पुराना पैटर्न जो था SSC का, उसमें क्या था, तीन टायर हुआ करता था। एक था आपका Tier 1, एक था आपका Tier 2 और एक था आपका Tier 3। ठीक है, तीन टायर हुआ करता था, तीन स्टेज हुआ करता था। एक था आपका Tier 1, एक था आपका Tier 2 और एक था आपका Tier 3। ठीक है, Tier 1 जो होता था वो आपका होता था 200 मार्क का होता था, Tier 2 आपका 400 मार्क का होता था और Tier 3 क्या होता था, तो इसमें आपसे पूछता था क्या, ऐसे पूछता था, ऐसे के बारे में, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, इस सब के बारे में पूछता था आपका Tier 3 में पूछता था। क्लियर। ये जो 200 मार्क का Tier 1 होता था, उसमें क्या था, मैथ 25, रीजनिंग 25 और इंग्लिश 25 और GK 25, एक क्वेश्चन 2 मार्क, टोटल होता था कितना आपका 200 मार्क का होता था। क्लियर। Tier 2 में क्या होता था, तो Tier 2 में आपका मैथ आता था 100 क्वेश्चन, इंग्लिश आता था 200 क्वेश्चन, इंग्लिश एक क्वेश्चन पे 1 मार्क यानी कि 200 मार्क, मैथ एक क्वेश्चन पे 2 मार्क यानी कि आपका कितना हो गया 200 मार्क, यानी 200 200 400, यानी Tier 2 कितने मार्क का होता था, 400 मार्क का होता था। क्लियर। उसके बाद आता था आपका ऐसे, तीनों को कंबाइंड करने के बाद क्या होता था, आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता था। यह सिंपल सा पैटर्न था SSC CGL का प्रीवियस में। लेकिन अब SSC ने क्या किया है, सारे पैटर्न को पहले तो चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखते हैं। देखिए, जो आपका Tier 1 है, ठीक है, Tier 1 आपका वही रखा है उसने, Tier 1 को उसने क्या किया, वही रखा है। लेकिन देखिए, Tier 1 पे ध्यान दीजिए, इस वाले PPT पे आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। Tier 1 में उन्होंने क्या किया, सेम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क, बहुत बढ़िया, GS 25 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क होता, यानी टोटल कितना मार्क हो गया आपका, टोटल हो गया आपका ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क, जैसे कि पहले था वैसे ही है। लेकिन इसमें अब क्या कर दिया है, Tier 1 को उसने क्या कर दिया है, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या है, कि आप अब Tier 1 में क्या करना है, आप जितना भी मार्क सिक्योर कर लें, इसका मार्क आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसका क्वालिफाई करने का भी प्रोसेस अलग है, क्या है देखिए। तो इसको क्वालिफाई करने का प्रोसेस यह है कि जितने भी अनरिजर्व्ड हैं, जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनको कम से कम 30% मार्क लाना पड़ेगा इसमें Tier 1 में। जितने भी OBC और या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, उनको 25% क्या लाना पड़ेगा, ओवरऑल मार्क लाना पड़ेगा Tier 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और ऑल अदर कैटेगरी SC ST और जो बाकी कैटेगरी बच जाता है, उसको 20% मार्क लाना पड़ेगा क्या करने के लिए, आपका Tier 1 को क्वालिफाई करने के लिए। समझ में आया, Tier 1 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर हो चुका है। और Tier 1 को अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो अगर आप जनरल है तो आपको 30% मार्क लाना होगा ओवरऑल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 25% मार्क लाना होगा ओवरऑल, और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क लाना होगा आपका ओवरऑल। क्लियर हो गया आपका, तब जाके आप क्या हो सकता है, Tier 1 को आप लोग क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया, इतना Tier 1 के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए, Tier 2 जो था, ठीक है, Tier 2 में उसने क्या किया है, तीन पेपर को इंक्लूड कर दिया है। एक है आपका Paper 1,
पेपर टू पेपर थ्री, यहां पे ध्यान दीजिए, पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री। जो पेपर टू और पेपर थ्री है वो सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर चुके जेएसओ, जो आपका जेएसओ पोस्ट के लिए डाला है, जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो डाला है उसको ही पेपर टू और पेपर वन दोनों देना होगा, और जो आपका एएओ के लिए डाला है उसको आपका पेपर वन और पेपर थ्री दोनों देना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई पोस्ट के लिए जाते हो, ये दोनों पोस्ट को छोड़कर, जेएसओ और डबल एओ पोस्ट को छोड़कर अगर आप लोग जाते हो, तो आपको सिर्फ देना होगा क्या, टायर टू का पेपर वन। आपको पेपर टू और पेपर थ्री देने का कोई जरूरत नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया है, पेपर टू में उसने क्या किया है, दो सेक्शन कर दिया है। पेपर जो टायर टू था, टायर टू का पेपर वन में उसने क्या किया है, अब आपका दो सेक्शन किया है। क्या क्या सेक्शन है देखिए, एक सेक्शन है सेक्शन वन 2 घंटा 15 मिनट का, और दूसरा हो गया सेक्शन टू 15 मिनट का। ठीक है, सेक्शन वन जो है वो हो गया 2 घंटा 15 मिनट का, और सेक्शन टू हो गया आपका 15 मिनट का। यानी पेपर वन जो है वो टोटल हो गया आपका 2 घंटा 30 मिनट का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटा 30 मिनट का क्या होगा आपका टोटल, टायर वन टायर टू का पेपर वन होगा। उसमें से 2 घंटा 15 मिनट आपको सेक्शन वन के लिए देगा, और 15 मिनट आपको मात्र देगा किसके लिए वो, तो 15 मिनट आपको देगा वो मात्र सेक्शन टू के लिए वो देगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो पेपर वन को क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया उसने, सेक्शन वन और सेक्शन टू। सेक्शन वन 2 घंटा 15 मिनट और सेक्शन टू 15 मिनट। अब इसने क्या किया है देखिए, सेक्शन वन को उसने फिर क्या किया है, 3 सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन वन में अब आपको 3 सबसेक्शन देने होंगे। क्या क्या, तो सेक्शन वन, सेक्शन वन में क्या होगा, मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, सेक्शन वन का जो आपका सेक्शन वन जो सबसेक्शन वन रहेगा उसमें आपका मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30-30 60 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का 3 मार्क रहेगा, यानी कि टोटल होगा आपका सेक्शन वन 180 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा, 180 मार्क का होगा, और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन टू में आपका इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन और जीएस 25 क्वेश्चन। जहां पहले सीजीएल के पेपर टू में आपका रीजनिंग और जीएस नहीं आते थे, इसने इसमें क्या कर दिया है, रीजनिंग और जीएस को भी ऐड कर दिया है। यानी पहले जो बच्चे सोचते थे कि जीएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनिंग को छोड़ देते हैं, अब उन सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, जीएस और रीजनिंग को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन टू जो होगा उसमें इंग्लिश आएगा आपका 45 क्वेश्चन और जीएस के आएंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन, और यह भी क्या होगा, 1 क्वेश्चन में आपको 3 मार्क मिलेगा, यानी ये टोटल होगा आपका 210 मार्क का, 70 × 3 210 मार्क का होगा। इसके लिए आपको कितना मिलेगा, तो इसके लिए भी मिलेगा आपको 1 घंटा, इसके लिए भी मिलेगा आपको 1 घंटा, 2 घंटा हो गया। और सेक्शन थ्री में दिया है आपको कंप्यूटर नॉलेज। देखिए आप क्या हो रहा है, ज्यादातर एग्जाम में क्या कर रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, डिजिटल अपने आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर, तो सेक्शन थ्री में क्या किया है उसने, कंप्यूटर एजुकेशन का ऐड कर दिया है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन के टोटल 60 मार्क रहेंगे, 1 क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क मिलेगा, यानी कि टोटल इसमें कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 60 मार्क आएंगे, यानी 180, 210 और 60, यानी टोटल अगर लोग प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 270 और 270 और 180, यानी कि आपका हो गया कितना, 450। यानी सेक्शन वन जो रहेगा वो कितने मार्क का रहेगा, सबका रहेगा टोटल 450 मार्क का रहेगा सेक्शन वन। और यहां पे एक एक क्वेश्चन को जो रहेंगे वो 3 मार्क आपको दिए जाएंगे, और एक अगर गलत होता है तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, 1 मार्क क्या है आपका, 1 मार्क क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। राइट के लिए आपका 3 मार्क है, रॉन्ग के लिए आपका 1 मार्क आपका कटेगा। समझ में आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर वन, पेपर वन का सेक्शन वन में ये आएंगे, मैथ आएगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 × 3 180 मार्क का रहेगा, इसके लिए मिलेगा आपको 1 घंटा।
सेक्शन टू में इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन, जीएस आएगा 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 × 3 यानी कि 210। क्लियर। और इसी प्रकार से सेक्शन थ्री का अगर बात किया जाए, सेक्शन थ्री में क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, 20 क्वेश्चन आएगा, 20 × 3 60 क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल आपका 450 मार्क का होगा आपका पेपर वन का सेक्शन वन। उसी प्रकार से पेपर टू का जो पेपर वन का जो सेक्शन टू है, देखिए पेपर वन का जो सेक्शन टू है वो होगा आपका 15 मिनट का होगा और उसमें आपका लिया जाएगा क्या, टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल किया जाएगा। और याद रखिएगा इसके लिए आपको 15 मिनट लेगा और ये भी क्या है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, याद रखिएगा ये भी क्या है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन जो सेक्शन आपका टू है पेपर वन का, उसमें सेक्शन थ्री जो है मॉड्यूल टू का वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो क्या है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि पहले भी था लेकिन इसमें इसने क्या ऐड कर दिया है, देखिए इसने इसमें ऐड कर दिया है कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम 30% गलत होना चाहिए। अगर क्या लिया, देखिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउ, मैक्सिमम कितना परसेंट एरर अलाउ है, तो अनरिजर्व के लिए 30% एरर अलाउ है, ओबीसी के लिए 25% एरर अलाउ है और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए कितना अलाउड है, 20% आपका क्या है एरर अलाउड है, किसमें आपका टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई पेपर वन जो है, पेपर वन आपका सॉरी दो टायर ही हो रहेंगे आपके, तीन टायर और नहीं रहेंगे, दो टायर रहेंगे, टायर वन और टायर टू। टायर वन में क्या होगा, पहले जैसा था वैसे ही है लेकिन वो क्या हो गया अब आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको कितना परसेंट लाना जरूरी है, तो कम से कम आपको अनरिजर्व है तो 30%, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए आपका 20% मार्क आपको लाना जरूरी है। पेपर टू का अगर बात किया जाए, टायर टू का बात किया जाए, तो उसमें तीन पेपर कर दिया है, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर टू और पेपर थ्री वो अलग अलग पोस्ट के लिए है, यानी पेपर टू जो होगा वो आपका जेसीओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए होगा और आपका डबल एओ के लिए होगा आपका पेपर थ्री। पेपर वन आपको सबको देना होगा। पेपर वन में उसने दो सेक्शन किया है, सेक्शन वन सेक्शन टू। सेक्शन वन में उसने फिर तीन सेक्शन किया है, सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री। सेक्शन वन में रहेंगे आपके मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया 60 का 180 मार्क आपको मिलेगा। पेपर टू का, पेपर वन का जो सेक्शन टू है, सेक्शन टू में आपको क्या रहेंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीएस के 25 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल हो गया आपका 70 × 3 210 मार्क। और जो तीसरा जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन थ्री जो है, उसमें रहेगा आपका कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, 20 × 3 60 मार्क। ये टोटल आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट। और जो सेक्शन टू आ गया है आपका, ठीक है, जो सेक्शन टू आ गया, सेक्शन टू में दिया गया है क्या आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा एंड दैट विल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर। वो क्या होगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्लियर हो गया इतना आपका, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जैसे देखिए टायर वन ही जो क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे कि आपको बताया गया क्या है, टायर वन क्या होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, दैट मींस मार्क विल नॉट बी एडेड, हाउएवर इट विल स्टिल बी कॉम्पिटिटिव एज द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ टायर टू विल बी डन बाय टायर स्कोर, टायर वन स्कोर। जैसे कि आपको बताया गया टायर वन क्या है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, लेकिन आपको टायर टू में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टायर वन को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। वैकेंसी का वजह से बात किया जाए तो आपको ऑलरेडी बताया गया कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है। ओके, 20,000 से ज्यादा आपका क्या निकाला गया, आपका वैकेंसी को निकाला गया है इस बार एसएससी के द्वारा। देखिए यहां पे लिखा गया है वैकेंसी के बारे में बताया जाए तो 20,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है, बट इट्स ओनली फॉर द पीपल एज बिलो 27, जो 27 साल से बिलो है उनके लिए 20,000 से ऊपर पोस्ट है। लेकिन इफ यू आर 27 प्लस एज कैंडिडेट देन फॉर योर वैकेंसी स्टिल द सेम एज प्रीवियस ईयर, दैट इज 4,000 से 5,000 के। यानी अगर आप 27 साल से कम उम्र के हैं तो आपके लिए क्या है, अभी भी आपका बहुत ज्यादा वैकेंसी, यानी कि 20,000 वैकेंसी है। लेकिन अगर आपका एज, अगर आपका एज क्या है आपका, मान लिया जाए कि 27 साल से प्लस है, 27 प्लस है, इसका मतलब यह है कि आपके लिए वही अभी 4,000-5,000 पोस्ट ही आपके लिए रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखिए, टायर टू हैज बिकम क्वाइट इजी नाउ
फॉर दोज हु आर एवरेज इन ऑल द सेक्शन. बहुत सारे बच्चों को मैथ नहीं होता था, इंग्लिश नहीं होता था, तो थोड़ा सा इजी कर दिया गया है. बट इफ यू हैड जीएस देन यू शुड लव इट नाउ एज द न्यू पैटर्न्स. ठीक है, जैसे कि बताया गया, अगर आप जीएस को घृणा करते थे, जीएस आपको पसंद नहीं था, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वालिफाई नहीं हो पाओगे. ठीक है, जैसे कि बताया गया, आपका पेपर वन जो रहेगा, पेपर वन रहेगा आपका 2 घंटा 15 मिनट का, पेपर टू रहेगा आपका 100 क्वेश्चन 2 घंटा, पेपर थ्री डबल ईओ के लिए 100 क्वेश्चन 2 घंटा का रहेगा. क्लियर? तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए बताया गया. पेपर वन आपके लिए सबके लिए बाउंड होगा, और पेपर टू जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रहेंगे उनको देना पड़ेगा, और जो डबल ईओ रहेंगे उनको लिए पेपर वन पेपर थ्री दोनों देना पड़ेगा. क्लियर हो गया इतना? आगे देखते हैं क्या क्या पोस्ट है. फाइनल मेरिट लिस्ट क्या दिया, देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टायर टू मार्क्स. टायर वन के मार्क और नहीं जुड़ेंगे आपके. ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें क्या रहेगा, सिर्फ टायर टू के मार्क आपके जोड़े जाएंगे. टायर थ्री हैज बीन स्क्रैप्ड, सो द प्रोसेस विल बी ट्रांसपेरेंट नाउ. टायर थ्री जो बहुत क्या होता है, एसे लेटर होता था, उसमें क्या होता था, एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर रहा, जब मन करेगा जितना मन करेगा दे देगा मार्क, तो उससे क्या होता था, वहां पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था आपका, वो अब का वो बंद कर दिया गया है. क्लियर? नेक्स्ट, फाइनल डीवी बी कंडक्ट एट द कंसर्न डिपार्टमेंट ओनली. जो फाइनल आपको दिया जाएगा पोस्ट, वो क्या दिया जाएगा आपका, आपके मार्क को देखकर आपको क्या दिया जाएगा, आपका पोस्ट दिया जाएगा. क्लियर? क्या दिया गया है पे, देखिए इंपोर्टेंट दिया गया, पोस्ट प्रेफरेंस विल बी आस्क्ड आफ्टर टायर टू रिजल्ट. टायर टू रिजल्ट के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा. पहले हम लोग क्या करते थे, पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस भर देते थे, ऐसा नहीं होगा अब आपका. आपका टायर टू का रिजल्ट आया, उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या, आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा. क्लियर हो गया आपका? तो ये है आपका टोटल पैटर्न जो कि एसएससी के द्वारा दिया गया है. यानी अगर आप लोग बोल सकते हो कि आपका पैटर्न को थोड़ा क्या कर दिया गया है, आपका इजी कर दिया गया है. जहां टायर टू में खाली इंग्लिश और मैथ आया करते थे पहले, अब जीएस रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे आपके. टायर वन क्वालिफाइंग हो चुका है, और टायर टू में आपको जीएस और रीजनिंग को भी पढ़ना होगा. तो अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न निकाला है सीजीएल के द्वारा. एसएससी ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है. इससे क्या होगा कि जो बाकी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, पहले क्या होता जिसका साइंस और मैथ स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चे खाली क्वालिफाई कर लेते थे. जीएस को उतना, जीएस जो जीएस मैंने आर्ट्स सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए क्या होता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था. तो ओवरऑल सारे बैकग्राउंड, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों बैकग्राउंड के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पैटर्न निकाला गया है एसएससी के द्वारा. और इसके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे बानी के टोल फ्री नंबर 8338055077 या फिर आपका 8093555677 पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आपके एनीज क्वारीज को लेकर. हमारा वेबसाइट हो गया, वेबसाइट में भी जा सकते हैं आप www.banik.org.com या फिर हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/banik, वहां पे भी जाके आपको इसको फॉलो कर सकते हैं. आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है banikbbsr@gmail.com. सो होप एसएससी के द्वारा जो ये पैटर्न चेंज किया गया है, इसको आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली हो गया होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. 20,000 वैकेंसी निकला है, अच्छे से पढ़िए और जबरदस्त इसी बार में क्या कीजिए, आपका नौकरी को पाइए. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.